हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में। जैसा कि आज आपके सामने पेश है भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस 1.0 लीटर का इंजन। इस गाड़ी में आपको भाई दो इंजन जो है वो देखने को मिल जाता है, एक नेचुरल स्पिरिटेड और एक टर्बो इंजन। तो ये टर्बो इंजन वेरियंट है और भाई आज के इस सुनहरे मौके पे अगर जो आप मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स लेने जा रहे हैं तो काफी सारे फायदे जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। सबसे पहले भाई इस गाड़ी में आज के टाइम पे लगभग 47,000 रुपए का कैश डिस्काउंट जो है वो चल रहा है। उसके साथ साथ इनकी एक 43,000 रुपए की वेलोसिटी किट जो होती है वो भी फ्री दिया जा रहा है। अगर जो आप इस गाड़ी की कीमत की बात करते हैं तो 9,72,000 रुपया एक्स शोरूम कीमत में पड़ जाती है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ फीचर जो हैं वो ऑफर किए गए हैं इस टर्बो इंजन के साथ। सबसे पहले अगर जो आप इस गाड़ी की बात करेंगे तो ऐसी कुछ की जो है वो देखने को मिल जाती है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाता है। तो फिजिकल की ऑफर की गई है, कोई भी स्मार्ट की वगैरह नहीं मिलता है। उसके साथ साथ अगर जो आप इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो भाई फ्रॉन्क्स अपने सेगमेंट में आज के टाइम पे भाई सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हैचबैक कार बन गई है। जिस हिसाब से इस गाड़ी को नाम दिया गया है या जिस हिसाब से इस गाड़ी को डिजाइन किया गया है ना भाई, वो चीज ये डिजर्व करती है। उसके साथ साथ गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी काफी बेहतरीन और काफी शानदार लगती है। और इसके फ्रंट में भाई सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, देख सकते हैं। क्रोम गार्निश की पट्टी जो है वो यूज की गई है, सुजुकी का लोगो ऑफर किया गया है। बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी तो हेडरेस्ट यूनिट जो है वो यूज की गई है। पूरा फुल तरीके से आपको एलईडी सेटअप मिल जाएगा, लो बीम और हाई बीम आप ऐसे यूज कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ डीआरएस का यही काम करता है। बॉडी के हिसाब से इसकी भी प्लेसमेंट काफी अच्छे तरीके से की गई है। गाड़ी फ्रंट से ऐसे नजर आती है और उसके साथ साथ टोइन हुक और सिल्वर स्क्रिप्ट प्लेट जो है वो भी ऑफर किया गया है इसके फ्रंट में। गाड़ी साइड से भी काफी अच्छी लगती है और पूरा फुल तरीके से ऑल ब्लैक इसका अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप इसका टायर साइज की बात करेंगे तो 195/65R16 के साथ आपको ब्लैक कलर अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाता है। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाता है। ABS EBD जो ब्रेकिंग से संबंधित फीचर्स होते हैं वो भी ऑफर किए गए हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है ना कि जो SUV वगैरह में ब्लैक कलर की क्लैडिंग जो है वो लगाई जाती है तो वो चीज भाई इस फ्रॉन्क्स में भी लगाई गई है। हालांकि है ये हैचबैक पर SUV वाली फील के साथ साथ जो SUV वाली लुक है वो दे देती है। बॉडी कलर आपको ORV मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर के साथ। बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स मिल जाएगा। ऊपर देखेंगे तो मैट फिनिश के साथ रूफ रेल ऑफर की गई है और ये हो गया इसका सार्फिन एंटीना। धीरे धीरे गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर से भी गाड़ी काफी बेहतरीन और काफी शानदार लगती है। वाइपर नहीं मिलेगा, परिया के डिफोगर, हाई मोटर डिस्टॉप लैंप, सुजुकी का लोगो और स्पॉइलर जो है वो भी देखने को मिल जाता है। फ्रॉक्स लिखे गए हैं 3D में। बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन से टेल लैंप यूनिट जो है वो यूज की गई है। ये प्री ब्रेक वाली यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप इसका यहां पे ऑफर किया गया है। स्मार्ट हाइब्रिड लिखा हुआ है तो 1.0 लीटर का और हाइब्रिड लिखा हुआ है तो मान के चलिए नेचुरल स्पिरिटेड इंजन जो है वो लगा हुआ है, तो इससे आप पहचान सकते हैं। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर ऑफर किया गया है। सिल्वर स्किड प्लेट जो है वो भी दे दी गई है इसके रियर में भी। और ये जो पार्किंग सेंसर्स है ना, इनका ये काम होता है कि जैसे मान लीजिए जब आप गाड़ी को बैक लेते हैं 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो गाड़ी आपको टू टू करके बताती रहती है कि जो गाड़ी है वो टच होने वाली है। तो सेफ्टी वगैरह का भाई काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है। रियर में ही है तो जो इसका बूट है वो चेक करवा देता हूं। अनलॉक वाले बटन को दो बार प्रेस कर देते हैं तो गाड़ी का चारों डोर जो है वो अनलॉक हो जाता है। और गाड़ी के हिसाब से देखेंगे तो काफी बड़ा सपोर्ट इसके जो है वो ऑफर किया गया है। पार्सल ट्रे जो है वो भी देखने को मिल जाती है डेल्टा प्लस वेरिएंट में। और जैसे मान लीजिए दो बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं और इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो ये जो सीट है ना, इन्हें फोल्ड भी कर सकते हैं तो ये भी सीट जो है वो फोल्ड हो जाती है। उस हिसाब से देखेंगे तो काफी अच्छा खासा और काफी बड़ा सा बूट स्पेस निकल के आ जाता है। तो आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीट को फोल्ड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम दे दिया गया है इसके पूरे बाहर का। ले चलते हैं इसके अंदर, क्या कुछ ऑफर किया गया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे अच्छी चीज इस फ्रॉन्क्स में हमको ये लगती है कि जो आपको वेलोसिटी किट जो 43,000 रुपए की दे दी जा रही है, जब वो किट इस गाड़ी में लग जाती है तो हर जगह से गाड़ी काफी प्रीमियम हो जाती है। तो इसके फ्रंट में भी स्टीकर एक अलग तरीके का लग जाएगा, जरूर मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। ये मिरर पे एक अलग तरीके की किट जो है वो लग जाती है, एक अलग तरीके की थीम लग जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे भी देखेंगे तो कई सारी जगहों पे एक नया पैटर्न की तरह एक रेडियम जो है वो लगा दिया जाता है। उस वजह से गाड़ी की जो इंटीरियर लुक है या एक्सटीरियर लुक है काफी बेहतरीन हो जाती है। डोर पे जब आप नजर डालते हैं तो डुअल कलर कॉम्बो के साथ आपको इसका डोर मिल जाएगा। चारों पावर विंडो के साथ साथ चारों मिरर को आप यहीं से लॉक कर सकते हैं। ORVM को ऑपरेट करने का सिस्टम जो है यहाँ पे दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं ORVM को। और ये जो ड्राइवर साइड मिरर है इसे आप 1 टच अप एंड 1 टच डाउन कर सकते हैं। और इसमें एक फीचर आता है वो भी मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ।
इसमें एक एंटी पिंच फीचर आता है, जैसे मान लीजिए वन टच डाउन करते हैं तो डाउन तो हो ही जाता है, पर जब आप वन टच अप करते हैं तो बाय द वे अगर जो आपका हाथ ऐसे आ जाए आपके हाथ को दबने नहीं देता है, इसे ही एंटी पिंच फीचर कहते हैं। जैसे ही थोड़ा भी इसे महसूस होगा कि कहाँ कोई ऑब्जेक्ट इसके बीच में आ गया है तो ये मिरर को रोल डाउन कर देता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई। सीट की बात करेंगे तो फैब्रिक की सीट मिल जाती है और फ्यूल टैंक बोनट आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे भी कई सारे बटन्स दिए गए हैं, पहला हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल, साइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन और हेडलैम्प्स का लेवलर जो है वो भी ऑफर किया गया है। तो यहाँ का कुछ ऐसा सिस्टम है। फिजिकल की मिल जाती है। इंटीरियर से गाड़ी को देखते हैं तो काफ़ी शानदार लगती है। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सुजुकी का लोगो जो है वो ऑफर किया गया है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं ऑफर किया गया है, पर दूसरी साइड आपको म्यूजिक सिस्टम से संबंधित कई सारे फीचर जो है वो स्टीयरिंग पे ही दे दिए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के, वॉइस कमांड के साथ साथ म्यूट आप यहीं से कर सकते हैं। काफी बेहतरीन सी एमआईडी ऑफर की गई है। स्पीडोमीटर के साथ साथ टेकोमीटर मिल जाएगा। फ्यूल का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं, कूलेंट का लेवल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी एवरेज वगैरह के बारे में चेक करना हो, रेंज वगैरह के बारे में, तो आप इस बटन को प्रेस करके चेक कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको सारी चीजें नॉर्मल देखने को मिल जाती है। दूसरी साइड आपको वैलिडिटी मिरर ऑफर किया गया है। डे नाइट IRBM हैलोजन लाइट के साथ साथ जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। और उसके बाद जब आप इसके सेंटर पर नजर डाल लेते हैं तो आपको 8 इंच की फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाती है, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ। एवरेज वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप इसके इन्फोटेनमेंट सिस्टम से ही ले सकते हैं। और गाड़ी में रिवर्स कैमरा जो है वो नहीं मिलता है इस डेल्टा प्लस वेरियंट में। उसके साथ साथ जो टच रिस्पॉन्स वगैरह है वो काफी अच्छी है। और सेटिंग वगैरह में जाएंगे तो कई सारे इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे क्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह को कम या ज्यादा करना हो तो आप अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB कनेक्टिविटी, नेविगेशन वगैरह जो है वो चला सकते हैं। वेलोसिटी किट में भाई आपको यहाँ पे भी थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा नीचे देखेंगे तो 2.0 हजार लाइट आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो भी देखने को मिल जाता है। गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लो बॉक्स ऑफर किया गया है। ब्राउन फिनिश की थीम जो है वो यूज की गई है। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट, स्टोरेज दिया गया है, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, डेल्टा वेरिएंट से ही ऑटोमेटिक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल सा हैंडब्रेक क्रोम इंसर्ट के साथ, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं ऑफर किया गया है। यहाँ पे स्टोरेज दिया गया है, छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो रख सकते हैं। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS CVT ब्रेक के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फील वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे तमाम सेफ्टी फीचर इस गाड़ी में ऑफर किए गए हैं। आज के टाइम पे भाई देखा जाए तो मारुति एक आम कंज्यूमर के हिसाब से या ये एक आम कंज्यूमर को काफी बढ़ावा दे रही है। हर गाड़ी में देखेंगे भाई बलिनो में लगभग 52,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है। वीडियो देखना हो तो भाई आई बटन पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। और इस गाड़ी में भी काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। और इन बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं, छोटी छोटी भी गाड़ियों में डिस्काउंट जो है काफ़ी दबा के चल रहा है। ऑल्टो, सेलेरियो, एस्प्रेसो जैसी गाड़ियों में काफ़ी मजे तरीके से भाई कंपनी जो है वो डिस्काउंट दे रही है। तो ऐसा कोई सिस्टम है तो आइए चेक करवा देते हैं इस गाड़ी का रियर सीट कम्फर्ट, लेग रूम, हेड रूम कैसा है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट जो है वो हो गई है। और जब आप इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल में आते हैं तो इसकी सीट जो है मैं अभी आपको फोल्ड करके दिखाया था, तो ऐसी कुछ जो है वो फोल्ड हो जाती है। बोट स्पेस आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा, इसे आप कुछ इस तरह अनफोल्ड भी कर सकते हैं। और 3-point एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। सीट की जो थीम है वो काफ़ी अच्छी ऑफर की गई है। और कंफर्ट वगैरह की बात करेंगे तो नो डाउट थाई सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा, लेग रूम भी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। और रियर से गाड़ी की लुक जो है ऐसे नजर आती है। यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट जो है वो दे दिया गया है। दोनों साइड आपको ग्रिप हैंडल्स ऑफर कर दिए गए हैं। और गाड़ी के कैबिन में स्पेस वगैरह जो है वो आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट दी गई है, चार्जर वगैरह का भाई ध्यान रखा गया है, फ़ोन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। और भी तो कुछ नहीं छूट रहा है, तो आइए चेक करवा देते हैं इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है, कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में बता देते हैं। और इस मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स में लगा हुआ है 1.0 लीटर का बूस्टर जेट इंजन, जो कि पावर वगैरह की बात करेंगे तो 94 BHP की पावर के साथ साथ 147 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। और टर्बो इंजन के साथ जो माइलेज है वो 21 KMPL की जो माइलेज है वो देखने को मिल जाती है। तो ये था इस गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर इंटीरियर ऑल डिटेल। आज के टाइम पे भाई जो डिस्काउंट चल रहा है, क्या आप ये गाड़ी लेने के लिए इच्छुक हैं या नहीं है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा इस गाड़ी को लेकर क्या राय है आपकी। उसके साथ साथ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर वास्ते इसका रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।